ब्लॉक होता है ना जो ओवरली रिलीजियस होते हैं उनका भी ब्लॉक होता है। ये क्राउन चक्र के दो स्टेजेस हैं, ओवर एक्टिव एंड अंडर एक्टिव। आज अगर यू आर बॉर्न इन अ कम्युनिटी और अ सोसाइटी जहां आपकी थिंकिंग को सप्रेस किया जा रहा है, एज आई सेड दिस चक्र वॉन्ट्स यू टू बी फ्री टू थिंक, टू बी फ्री टू मेक योर ओन डिसीजन, योर ओन लिमिट्स। नाउ व्हाट हैपेंस, सपोज आप एक ऐसे कम्युनिटी में पैदा हुए हो जहां पर आपकी थिंकिंग को रोका गया है कि नहीं तुम्हें इसी भगवान को प्रे करना है, इसी कल्ट को प्रे करना है। टुडे यू आर फोर्स्ड इनटू रिलीजन अगेंस्ट योर चॉइस, यू आर नॉट गिवन अ चॉइस, डू आई वॉन्ट टू डू दिस और डू वॉन्ट टू डू दिस, यू आर फोर्स्ड। तो आप क्या करते हो, यू स्टार्ट थिंकिंग रिलीजन एंड गॉड एज समबडी वेरी सुप्रीम। जब आपको ऐसी कम्युनिटी में कंटिन्यूसली फीड किया जाता है गॉड, रिलीजन, पाप, पुण्य, तब जाके लोग फैनेटिक्स बनते हैं। फैनेटिक्स जिनका ओवर एक्टिव क्राउन चक्र होता है, दे इमेजिन सम काइंड ऑफ पावर, दे इमेजिन दैट दे आर गॉड्स, वो खुदा के बंदे हैं एंड दे आर रेडी टू डू एनीथिंग इन द नेम ऑफ रिलीजन। तो जितनी भी ये कम्युनिटी फाइट्स होती हैं इज बिकॉज ऑफ ओवर एक्टिव क्राउन चक्र, because they don't know how to think for themselves, so whatever they are fed they act as per that। aur dusra hota hai underactive, jahan par aapko lagta hai ki just nothing works for me, there is no divine grace for me, constantly you use the word luck luck luck, mera bad luck। aapne jis din ye shabd use kiya na, l u c k, crown cut बंद हो जाता है। फिर आपको लगता है ये मैंने दो बार तो बोला था, तीसरी बार भी क्यों हो रहा है, चौथी बार भी क्यों हो रहा है। भाई अगर आपको लगता ही बैड लक है तो ट्राई करना छोड़ दो ना, हमेशा ट्राई करते रहेंगे, कंटिन्यूस ट्राई करते रहेंगे, फिर कहेंगे बैड लक बैड लक बैड लक। भाई बोल दिया ना बैड लक, बैठ जाओ चुपचाप बैड लक, नहीं जी बोलते हैं बट दे वॉन्ट टू फील लकी। ऐसे तो नहीं, पहले बैड लक हटाओ, यू विल ऑटोमेटिकली बिकम लकी। जैसे ही आपने वर्ड यूज किया मेरी किस्मत बैड लक, द चक्र इज गोइंग टू हियर द वर्ड लक एंड गुड। तो अंडरस्टैंड, इज देयर समथिंग अबाउट बैड लक और डेस्टिनी, ऐसा कुछ होता है बैड लक या डेस्टिनी? दैट व्हाट यू आर सेइंग इज टुडे आई एम ट्राइंग फॉर समथिंग, टुडे इफ आई डोंट पुश माई सेल्फ यू विल नॉट अचीव ऑल्सो व्हाट यू वॉन्ट। यस बट सी अंडरस्टैंड, जितना जितना यू स्टार्ट गेटिंग कनेक्टेड टू योर सेल्फ, जितना आप खुद के साथ कनेक्ट होते जाओगे, यू विल नो कि मुझे कितना ट्राई करना है। टुडे सपोज यू हैव ट्राइड फॉर समथिंग, इट कुड बी अ पर्सन, इट कुड बी अ जॉब, इट कुड बी एजुकेशन, इफ यू हैव ट्राइड एंड यू हैव नॉट गेट इट, यू हैव नॉट गॉट इट, व्हाट विल यू डू? पहले तो अपने तरीके बदलो, अपने हथियार बदलो, अपने मेथड्स बदलो, राइट? देन ट्राई, देन ट्राई, बट स्टिल यू फील दैट यू स्टिल हैव एनर्जी, देन स्टिल ट्राई। बट एक टाइम आता है वेन यू रियलाइज दैट नो, आई डोंट हैव टू ट्राई, प्रोबेबली माई पाथ इज डिफरेंट। मैं हो सकता है कोई चीज़ के लिए ट्राई कर रहा हूँ, वो मेरे लिए नहीं बनी है। टुडे एज यू सेड दैट इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड वॉट यू आर गोइंग टू डू इन लाइफ, इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड वॉट यू आर मेड फॉर। सपोज यू आर मेड टू बी एन आर्टिस्ट and you are trying to get into an engineering college, the consciousness knows कि आप अगर कॉलेज में चले गए आपका पाथ टोटली बदल जाएगा। आप कितना भी ट्राई करोगे यू विल नॉट बी एबल टू गेट इन, और इफ यू गेट इन दे विल बी सिचुएशन वेयर यू विल कम आउट और यू विल नॉट बी हैप्पी। सो अंडरस्टैंड, एक समय के बाद यू हैव टू सरेंडर, यू हैव टू ट्रस्ट द कॉन्शियसनेस, यू नो बेस्ट। बट क्या होता है, पीपल ट्राई नहीं होता, फिर कह देते हैं बैड लक। बट अंडरस्टैंड, हु इज टेलिंग यू बैड लक? यू हैव टू सरेंडर, समर्पण, ये चक्र में होता है समर्पण, सरेंडर। यू हैव टू सरेंडर टू द डेस्टिनी हु नोज द होल पिक्चर। वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल पर्सन इज लाइक अ लिंब ऑफ द बॉडी। आज हाथ को पता है, हाथ को एक ही टाइप का काम करना है, आंख को एक ही टाइप का काम करना है, मुंह को एक ही टाइप का काम करना है। आज अगर हाथ के अंदर डिजायर आ जाए कि मुझे तो बोलना है, बोलना है, खूब कोशिश करेगा, बोलना है, बोलना है, बोलना है,
फिर नहीं सक्सीड होगा, मेथड्स बदलेगा, यहाँ से बोलेगा, वहाँ से बोलेगा, यहाँ से बोलेगा, फाइनली कहेगा बैड लक। अब बैड लक कहेगा तो क्या होगा, हिज कनेक्शन विद द बॉडी विल ब्रेक। बैड लक का मतलब है क्राउन बन, एंड व्हाट इज क्राउन, क्राउन इज योर कनेक्शन विद द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो ये कनेक्शन टूट जाता है। आज अगर आपके हाथ दुखते हैं, यू हैव पेन इन द हैंड्स, योर क्राउन चक्र इज ब्लॉक्ड। इफ यू हैव पेन एट द बैक ऑफ द नेक विच इज कॉल्ड स्पॉन्डिलाइटिस, योर क्राउन चक्र इज ब्लॉक्ड, बिकॉज आपका कनेक्शन पूरी बॉडी के साथ ही टूट गया है। और आपको ओवरऑल पूरे स्केलेटन सिस्टम में दर्द होता है, अगेन योर क्राउन चक्र इज ब्लॉक्ड। अगर ओनली पैरों में दर्द होता है इट इज मूलाधार, बट ओवरऑल स्केलेटन सिस्टम में दर्द होता है इट इज द क्राउन चक्र, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली wanting the hand to see, but the hand is not able to see, and you are blaming the whole body. So what you should be doing? You should try. If you can't do, realize that you are trying because it was the voice of the ego. You have to give up and surrender, knowing that the body is with you. Ab hand jis din sochega ki mujhe muscle banana hai, वो देखिएगा मुझे कहाँ सपोर्ट मिल रहा है। आई एम गेटिंग लॉट ऑफ सपोर्ट, लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग एंड हेल्पिंग मी। तो आप देखो कि वॉट एवर इज मेंट फॉर यू, वेन एवर यू ट्राई टू डू दैट, यू मेक इट वेरी, थिंग्स बिकम वेरी इजी, यू डोंट मीट मेनी ऑब्स्टिकल्स। आप जो आप कहते हो कि बड़ा लक से मुझे हो गया काम, बड़ा जल्दी काम हो गया, एवरीथिंग हैपन वेरी इजीली बिकॉज यू वर डूइंग वॉट यू आर मेंट फॉर। एक तो ये इंडिकेशन है, जो भी पाथ आपके लिए डिसाइडेड है, यू गो ऑन दैट पाथ, बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आएंगे, अंडरस्टैंड इट इज नॉट फॉर यू, और विद लर्निंग ये आपको स्वयं से पूछना पड़ेगा, यू नो फ्रॉम योर कॉन्शियस, या तो यू हैव टू बी क्वालिफाइड टू गेट इट, और इट इज नॉट मेंट फॉर यू, एंड वॉट एवर यू गेट वेरी इजिली, वेर यू स्टार्ट गेटिंग वेरी गुड सपोर्ट, इट इज डेफिनेटली मेंट फॉर यू।